अब कुछ बाग बगीचे की मशीनों से परिचय कराएं। आजकल घर के आसपास शोभाकारी बगीचा एवं लॉन सर्वसाधारण हो गया है। बड़े शहरों एवं शहरों के आसपास फार्म हाउस में यह लगभग अनिवार्य हो गया है। ऐसे बगीचे को बनाने से ज्यादा इसका रखरखाव बहुत मुश्किल है। लॉन के घासों को काटने के लिए अलग अलग आकार एवं क्षमता के लॉन मूवर उपलब्ध हैं। यह हाथ से चलने वाला एक सरल लॉन मूवर है। इसको लॉन में धकेलने से यह घास को समान रूप से काट देता है, लेकिन कई दिनों से नहीं कटे लॉन के लिए यह उपयुक्त नहीं है। घर के आसपास के छोटे लॉन के लिए यह बहुत ही उपयुक्त लॉन मूवर है। यह बहुत ही लोकप्रिय पेट्रोल इंजन वाला लॉन मूवर है। जितनी ऊंचाई तक घास को रखना है उसके आधार पर इसके काटने की ब्लेडों को तीन अलग अलग ऊंचाइयों पर एडजस्ट किया जा सकता है। कटे घास पीछे के बक्स में इकट्ठे होते हैं। जब यह बक्स भर जाए घास को बाहर निकालें। यह छोटे एवं मध्य आकार के लॉन के लिए उपयुक्त है। इसी आकार के इलेक्ट्रिकल लॉन मूवर भी उपलब्ध हैं, लेकिन बगीचे में बिजली की सुविधा होनी चाहिए। इसके कार्य करने की विधि एवं क्षमता पेट्रोल इंजन वाले लॉन मूवर के जैसी है। स्टेडियम, रिसॉर्ट जैसे बड़े क्षेत्र के लॉन के लिए बैठकर चलाने वाला लॉन मूवर का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी पेट्रोल इंजन से चलता है। इसको चलाना आसान है क्योंकि चलाने वाले को पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। बक्स भरने पर कटे घास को बाहर निकाल देता है। बैठकर चलाने वाला यह लॉन मूवर केवल बड़े क्षेत्र के लॉन के लिए ही उपयुक्त है। मेड़ को निश्चित ऊंचाई पर एवं निश्चित आकार में बनाए रखना बहुत कुशल कार्य है। इसके लिए स्टील एवं ओलियोमैक कंपनियों की सक्षम मेड़ ट्रिमर उपलब्ध है। इसकी वजन लगभग 5 किलोग्राम है। ओलियोमैक के इस मेड़ ट्रिमर 1.2 HP पेट्रोल इंजन से चलती है। इसके हैंडल को 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं ताकि चलाने वाले आसानी से मेड़ के दोनों तरफ कार्य कर सकते हैं। अपनी क्षमता एवं सटीकता के लिए स्टील का मेड़ ट्रिमर लोकप्रिय है। इसी प्रकार इन्हीं कंपनियों की इलेक्ट्रिकल मेड़ ट्रिमर भी है, लेकिन बगीचे में बिजली की सुविधा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मॉडल के कार्य करने की विधि एवं क्षमता पेट्रोल इंजन वाली ट्रिमर के समान है।